हमारे हिंदुस्तान में जब मुगल सत्ता अपने पैर पसार रही थी तो कुछ राजपूत राजाओं ने उसका डटकर सामना किया। इस विरोध की शुरुआत हुई थी महाराणा सांगा के दौर से। बाद में इन्हीं महाराणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप ने सरेंडर करने से मना कर दिया। अब राणा सांगा और महाराणा प्रताप की कहानी तो सबको पता है, लेकिन सांगा के बेटे और महाराणा प्रताप के पिता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राणा उदय सिंह ने कुल मुगलों के सामने दो लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन उन लड़ाइयों में कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज भी उन्हें गद्दार कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस दावे को सच नहीं मानते हैं। तो सच क्या है? राणा उदय सिंह अपनी दोनों लड़ाइयों में शामिल क्यों नहीं थे? क्या है सच? तो आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी शुरू होती है 4 अगस्त 1522 से, जब चित्तौड़गढ़ के राजघराने में राणा उदय सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा सांगा था और माता का नाम था कर्णावती। ये वही महाराणा सांगा थे जिन्होंने बाबर के खिलाफ खाना की लड़ाई लड़ी थी। राणा उदय सिंह के 3 और भाई थे, भोजराज, विक्रमादित्य और रतन सिंह। जब 1527 में महाराणा सांगा की मौत हुई तब रतन सिंह को राणा बनाया गया, लेकिन 4 साल बाद रतन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद दूसरे भाई विक्रमादित्य को राणा बनाया गया। तब राणा विक्रमादित्य लगभग 15 साल के थे। उनको राजकाज से ज्यादा मजा दूसरे गांवों में आता था। वो कुश्ती करने में अपना सारा दिन बिता दिया करते थे। इसके बाद वो अपने मंत्रियों और वफादारों की इज्जत करना तो दूर, दरबार में उनकी बेइज्जती कर दिया करते थे। इस वजह से सब उनसे नाराज थे। राणा ने सेना का भी ख्याल नहीं रखा था, जिसके बाद सेना में भी बगावत के सुर उभरने लगे थे। इस समय राणा उदय सिंह सिर्फ 12 साल के थे, और इसी कमजोर मौके पे साल 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। अब आपको मैं याद दिला देती हूँ, ये वही लड़ाई है जिसमें रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी मेवाड़ की रक्षा के लिए। हालांकि हुमायूं वक्त पर नहीं आया और रानी कर्णावती ने जहर कर लिया। इस तरह 13 साल की उम्र में राणा उदय सिंह ने अपनी माँ को भी खो दिया। लेकिन इस बार राणा उदय सिंह को कोई भी राजा बनाने के लिए तैयार नहीं था। तब सबने तय किया राणा सांगा के नासिक पुत्र बनवीर को राजा बनाया जाए। लेकिन बनवीर बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसे लगा कि राणा उदय, इसीलिए उसने प्लान किया महाराणा उदय सिंह को मारने की। जब महारानी कर्णावती की मृत्यु हुई तो उदय सिंह को दाईमा पन्ना पाल रही थी। यहीं पे वो कहानी आती है, जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया तो दाई ने एक भरोसेमंद आदमी के साथ राणा उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया, और उदय सिंह की जान को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे चंदन की आहुति दे दी। फिर इस कहानी में ऐसा होता है, दाईमा भटकते भटकते कुंभलगढ़ पहुंची, यहां पर उन्हें शरण दी गई। साल 1540 में उदय सिंह को चित्तौड़ का महाराणा घोषित किया गया, लेकिन उदय सिंह के सामने दिक्कतें कम नहीं थी। साल 1544 में शेरशाह सूरी ने सम्मेल की लड़ाई में मालदेव को हरा कर मारवाड़ पे कब्जा कर लिया। इस समय महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के गृह युद्ध में उलझे हुए थे और शेरशाह से लड़ाई करने की ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ को इस शर्त पे शेरशाह को सौंप दिया कि वो चित्तौड़ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेरशाह ने उनकी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि लड़ाई ज्यादा महंगी पड़ेगी। इस बीच उदय सिंह को लगा चित्तौड़ सेफ नहीं है, उन्हें मेवाड़ के कैपिटल को सेफ जगह ट्रांसफर करने की सोची। साल 1559 में उन्होंने मेवाड़ के गिरवाभार में कार्य शुरू करवाया, और उसी साल में उन्होंने एक बड़ी झील बनवाई जो 1562 में बनकर तैयार हुई। फिर राणा सिंह ने उसका नाम रखा उदयपुर। साल 1562 में उदय सिंह ने मालवा सल्तनत के आखिरी राजा बाज बहादुर को शरण दी। इनके राज को अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके 5 साल बाद 1567 में महाराणा उदय सिंह को अपने बेटे शक्ति सिंह से पता चला अकबर चित्तौड़ पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। खबर मिलते ही राणा ने एक मीटिंग बुलाई कि वो किले में नहीं रहेंगे, और उनके 2 वफादार जयमल पत्ता को किले की जिम्मेदारी देकर चले गए। इधर 23 अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर अपना डेरा डाला। उधर किले की जिम्मेदारी देकर उदय सिंह गोगिंदा के किले में चले गए। कई महीनों की घेराबंदी के बाद आखिरकार फरवरी 1568 को अकबर ने किले पर कब्जा कर लिया। खैर, चित्तौड़ को मुगलों से हार जाने के बाद उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर में ट्रांसफर कर ली। 4 साल बाद 1572 को उदय सिंह की मौत गोगिंदा के किले में हो गई। इसके बाद महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली और जीवन भर अकबर से लड़ाई लड़ती रही। अब दोस्तों, शेरशाह सूरी से समझौते, अकबर से लड़ाई के वक्त मैदान छोड़ने की वजह से कई लोग उदय सिंह को गद्दार और डरपोक कहते हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? तो देखिए, जब शेरशाह सूरी को उन्होंने चित्तौड़ सौंपा था, तौड़ के लोग सेफ रहे, तो उनके पीछे उनकी मंशा साफ थी। राणा उस समय राज के अंदरूनी कलह से लड़ रहे थे। अगर वो नहीं लड़ते तो हार तय थी, और हार के बाद ना उनके राज का फ्यूचर
शहर खराब होता बल्कि उनकी प्रजा पर शेरशाह सूरी का जुल्म होता। लेकिन अपनी समझदारी से उदय सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर हम दूसरी लड़ाई पर आए जिसमें अकबर ने कत्लेआम मचा दिया था तो उस समय राणा उदय सिंह किले में नहीं थे। इसमें सोचने वाली बात ये है, अगर राणा डरपोक होते तो बाकी राजपूत राजाओं की तरह पहले ही अकबर को सरेंडर कर देते, लेकिन उन्होंने अपनी जगह को छोड़ना ठीक नहीं समझा। लेकिन जब लड़ाई का मौका आया तो उन्होंने किले को एक सोची समझे रणनीति पर छोड़ा। असल में पहले युद्ध शाह का करना पड़ता था, इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत उदय सिंह ने किले को छोड़ दिया ताकि लड़ाई को बाहर से जारी रखा जा सके। इसीलिए महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह के मौत के बाद भी सरेंडर करने की बजाय अपनी लड़ाई को जारी रखा। अब आप तय करके बताइए आपको क्या लगता है कि उदय सिंह डरपोक राजा थे या समझदार राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को भी बचाया और अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति भी बनाई। इसके बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय राजपुताना।